परिणय सूत्र में क्यों नहीं बंध रही? यही तो कारण है कि इतने सारे चाहने वाले हैं, किसी एक से मैं कैसे परिणय सूत्र में बंध जाऊं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि मैं किसके साथ जुड़ूं। किस तरीके से फर्श से अर्श तक पहुंचाया? देखिए, सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और मैं मानती हूँ कि जो लाइफ है उसमें हर कुछ होना इम्पॉर्टेंट है। आपको आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, सामाजिक लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। मतलब जीवन को अच्छा जीने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आपके पास पैसा भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ धर्म भी जुड़ा होना चाहिए। बाद में बड़ी हुई तो अब तो मुझे सब कुछ समझ में आता है कि क्या गाना चाहिए क्या नहीं गाना चाहिए, लेकिन बचपन में मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। साथ ही साथ लोगों का बहुत प्यार भी मिला और मेरे फैमिली का सपोर्ट। कितना गाना अभी तक आप गाई होंगे? मुझे लगता है कि मेरे गानों में 1000 गाने होंगे जो रिकॉर्डेड हैं। कहते हैं प्रतिभा किसी पहचान का मोहताज नहीं होता, और अभी हम जिस शख्सियत के साथ हैं वो किसी पहचान और परिचय की मोहताज नहीं है। 2000 के दशक में न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के युवाओं पर राज करने वाली देवी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। देवी जी, बहुत स्वागत है आपका कि आप हमारे स्टूडियो हमारे चैनल आप आए। देवी जी, एक तो आपका नाम भी बड़ा अच्छा रखा आपके माता पिता ने, क्योंकि देवी के विषय में कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु, यानी कि देवी ही सब कुछ हैं, माँ का रूप हैं, बहन का रूप हैं, शक्ति का एक स्वरूप हैं देवी। तो सबसे पहले तो जो एक आपके नाम का जो की जो व्याख्या है वो आप खुद कैसे करती हैं? देखिए, आपने तो बहुत बड़ी बात करी, बहुत विद्वान हैं, और बस मैं व्याख्या क्या करूं अपने बारे में, बस मैं म्यूज़िक करती हूं, मुझे अच्छा लगता है, और बस जीवन में यही सीखा कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ प्रेम संबंध रखना चाहती हूं, क्योंकि जीवन जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। मैंने यही जीवन में सीखा, इतने भाग दौड़ के बाद मतलब टाइम भी बहुत फास्ट जा रहा है, तो इंसान को रिलैक्स होना चाहिए, अच्छे म्यूज़िक के साथ, प्रेम के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ समय गुजारना चाहिए। देवी जी, एक दौर था जब आप की आवाज़ हर जगह सुनी जाती थी। मुझे याद है कि चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है गाना गीत संगीत में, लेकिन मैं भी आपके एक दो गानों को मैं भी गुनगुनाता था, एक बहे के पुरवा रामा और क्या एक वो राजधानी पकड़ के आज यह। तो ये प्रेरणा, ये जो गाना गाने की प्रेरणा या फिर भोजपुरी में इस तरह की गीत उस दशक में आज से लगभग 20 साल पहले, ये कहाँ से मिली, कहाँ से इंस्पायर्ड हुई आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो कला है वो प्रेरणा लेके नहीं होता है, वो जन्मजात होता है। तो मुझे एक मेरे पास फोटोग्राफ है जिसमें मात्र मैं 6 महीने की हूँ, और उस टाइम मैंने रेडियो पकड़ के ऐसे मैं रेडियो सुन रही हूँ। तो संगीत है या कोई कला है वो आपके अंदर होता है जन्मजात, और वो ऑटोमेटिक आपके सामने आता है। और मैं बताऊं कि मैंने जब 6 साल की उम्र की थी तो मैंने गाना स्टार्ट किया, और सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे पिताजी बहुत बड़े म्यूज़िक लवर थे, और उनकी उन्होंने जब पहली बार जब उनको सैलरी मिली तो सबसे पहले उन्होंने एक रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा जो तवे वाला होता है। तो पापा का बहुत ज़्यादा, जब मैंने गाना स्टार्ट किया तो उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि वर्ड्स क्या होते हैं, कौन सा लिरिक अच्छा है कौन सा लिरिक अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पापा ने इस पर बड़ा ध्यान रखा। वो खुद भी फिलॉसफी प्रोफेसर हैं JP यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने हमेशा मतलब मेरे जो भी गाने आते थे पापा उसको पढ़ते थे कि हाँ ये बेटा तुम गा सकते हो, इसके वर्ड्स अच्छे हैं। लेकिन जब मैं बाद में बड़ी हुई तो अब तो मुझे सब कुछ समझ में आता है कि क्या गाना चाहिए क्या नहीं गाना चाहिए, लेकिन बचपन में मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। देवी जी, आप बता रही हैं कि जब आप 6 साल की थी उस समय से, 6 साल से लेकर के और अभी तक, चूँकि ये कहा जाता है कि महिलाओं से कभी उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो अभी तक का जो सफ़र है आपका वो कैसा रहा, और वो सफ़र आपको किस तरीके से फर्श से अर्श तक पहुंचाया? देखिए, सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और मैं मानती हूँ कि जो लाइफ है उसमें हर कुछ होना इम्पॉर्टेंट है। आपको आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, सामाजिक लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। मतलब जीवन को अच्छा जीने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आपके पास पैसा भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ धर्म भी जुड़ा होना चाहिए। तो मैंने यही कोशिश की है कि अपने जीवन में सब कुछ का समावेश हो, और मेरी म्यूज़िक का जो सफ़र है वो भी बहुत अच्छा रहा है। मैंने बहुत सारे एल्बम्स गाए जो कि काफ़ी सुपर हिट हुए, और साथ ही साथ लोगों का बहुत प्यार भी मिला, और मेरे फैमिली का सपोर्ट, जनता का सपोर्ट बहुत मिला है मुझे। देवी जी, कितना गाना अभी तक आप गाई होंगे?
मुझे लगता है कि मेरे गानों में 1000 गाने होंगे जो रिकॉर्डेड हैं। उसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है? बहुत सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे तो नोन हैं, कुछ अननोन गाने भी मैंने गाए हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो चाहूँगा कि अगर आपकी अनुमति हो तो आप एक गाना का कुछ। ठीक है, एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है और जिसको मैंने 11 एल्बम में गाया था वो मैं दर्शकों को सुना देती हूँ। पतली मोरी कमरिया जैसे लचके हैं अमुवा के डार हो राजा जी, तिरछी मोरी नजरिया जैसे कि चल छुरे कटार हो राजा जी, पतली मोरी कमरिया जैसे लचके हैं अमुवा के डार हो राजा जी, सास नन दिया ताना मारे, सास नन दिया ताना मारे, देता ना जेठाने, देता ना जेठाने, तहरा के कछु सुध बुध नाही हो, तहरा के कछु सुध बुध नाही, सुनियो दिलवर जाने, सुनियो दिलवर जाने, नाजुक मोरी कलैया, नाजुक मोरी कलैया जैसे कि छुई मुई फुलवा के डार हो राजा जी, तिरछी मोरी नजरिया जैसे कि चल छुरे कटार हो राजा जी, पतली मोरी कमरिया जैसे लचके है अमुवा के डार हो राजा जी। जी बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो दौर आज से लगभग 15 साल पहले का दौर, 20 साल पहले का दौर, उस समय का गीत संगीत और अभी जो एक फुहरपन आ गया है, कई नई लड़कियां, कई नई महिलाएं इस फील्ड में आई हैं, गाना गाती हैं, देवी जी खुद को उसमें कहाँ फिट बैठा पाती हैं और आप उसको कितना अच्छा मानती हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि कला एक अलग चीज़ है और कला का एक अलग स्थान होता है, और जब आपको कला से लोग आपको पहचान मिलती है तो वो बहुत लंबे समय तक जाती है। आज भिखारी ठाकुर जी ने जो कृति की, आज भी उस पर नाटक में मंचन होता है, आज उस पर PhD हो रहा है, आज छपरा में की रहने वाले चौराहे का नाम भिखारी ठाकुर जी के नाम पे दिया गया, अंग्रेजों ने इवन भिखारी ठाकुर को शेक्सपियर की उपाधि दी। तो मुझे लगता है कि जो कला होती है ना उसका एक बहुत ही पावरफुल स्थान बनता है, और जो विकृतियाँ हैं, जो अश्लीलता है, वो तो पूरे वर्ल्ड में है और वर्ल्ड में तरह तरह से लोग अश्लील चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन उसका स्थान कभी भी वो नहीं हो सकता है जो एक कला का स्थान है। तो मुझे लगता है कि एज ए कलाकार लोगों ने मुझे चाहा है और मेरे गाने इसीलिए जो मैंने 20 साल पहले गाना गाया वो आज भी लोग सुन रहे हैं, एंड आई होप कि आगे भी उसको सुनते रहेंगे क्योंकि उसमें कला है। देवी जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है, हालांकि पूछना नहीं चाहिए आपसे, क्यों, ऐसा व्यक्तिगत है आपका, ये आपके बड़े फैन हैं, बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन इसके बावजूद देवी जी परिणय सूत्र में क्यों नहीं बंध रही है? यही तो कारण है कि इतने सारे चाहने वाले हैं, किसी एक से मैं कैसे परिणय सूत्र में बंध जाऊँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि मैं किसके साथ जुड़ूँ। लेकिन एनीवे, जब मुझे कभी लगेगा कि मुझे किसी के साथ जुड़ना चाहिए परिणय सूत्र में, तो मैं बंध जाऊँगी। और वैसे लोगों के साथ मेरे प्रेम संबंध है, मैं प्रेम में बिलीव करती हूँ, और आपका संबंध लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, आपका कोई ख्याल रखता है, आपसे कोई अच्छे से बात करता है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मैं कर लूँगी, लेकिन मेरा जो जीवन है उसमें मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ या कुछ मिस हो रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, मेरे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, और जहाँ तक मातृत्व सुख की बात है वो भी मेरे साथ है, क्योंकि मेरे बहन के जो बच्चे हैं वो मुझे मम्मी मानते हैं। तो दुनिया को दूसरा मीरा देंगे क्या आप अपने रूप में? चलिए, हो सकता है। चलिए देवी जी, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है आपके लिए, चूँकि आपने चाहने वालों की बात की कि सोचा था एक हम ही हैं आपके चाहने वाले, पर आपको चाहने वालों का कारवां निकला, फिर सोचा इन सब की शिकायत करूँगा रब से, पर कमबख्त रब भी आपको चाहने वाला निकला। चलिए, फिलहाल देवी जी के आप गाने को हमारे चैनल न्यूज़ 22 स्कोप पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए इसके राजीव को अपने सहयोगी राजेश के साथ दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।